तो भाई ग्रोसरी के अलावा भी ना हेल्थ का भी ध्यान रखता है तुम्हारा फूड बेसिक। तो भाई ये देखो एक बीपी की मशीन दे रखी है यहाँ पे, अगर शॉपिंग करते करते तुम्हें गलती से लगे कि पैसे तुम्हारे ज्यादा लग गए, ये देख लो मैगी का भंडारा लगा हुआ है, और अगर तुम यही मैगी लेने वॉलमार्ट में जाओगे तो भाई $2 से कम की नहीं मिलेगी। और यहाँ देख लो तुम प्राइस, तो भाई चावल बनाने कैसे है ना वो भी तुम्हारा भाई बताएगा। भाई कुछ नहीं करना, कुकर लो, ये चावल उठाओ और इसको पहले धो, ठीक है? धोने के बाद 2 ग्लास चावल बनाने, तो 2 ग्लास चावल डाल दो और उसके ऊपर से भाई 2 ग्लास पानी डाल दो या फिर थोड़ा सा और पानी डाल दो, 2 सीटी भाई सिर्फ और सिर्फ 2 सीटी पड़वानी है तुम्हें तुम्हारा। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो भाई वो व्लॉग आ गया जिसका तुमने कमेंट कर करके मैसेज कर करके डिस्टर्ब कर दिया था कि भाई सस्ती ग्रोसरी कहाँ से करें, तो भाई यहाँ से करें फूड बेसिक, ठीक है? तो अंदर चलते हैं, ग्रोसरी करते हैं और तुम्हें बताते हैं कि भाई सस्ता सस्ता सामान कैसे उठाना है। तो सारे आ जाओ। अंदर आ चुके हैं और जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं, जितने भी भाई तुम्हारे फूड बेसिक होंगे ना, तो सबसे पहले एंटर करते ही तुम देखोगे कि जितनी भी चीजें पड़ी हुई है ना, एक बार कैमरामैन घुमा दो, चीजें दिखा दो, पीछे भी घुमा दो, पीछे भी, तो भाई ये चीजें देख ली तुमने। भाई किसी भी फूड बेसिक के अंदर चल जाना, ये सारी चीजें ना जो सबसे सस्ती होंगी ना, मतलब जिन पे सेल चल रही है, जिन पे ऑफर चल रहा है, वो सबसे पहले बाहर ही लगी होंगी। भाई ज्यादा सोचना नहीं है कि कहाँ से कौन सी चीज उठानी है, जो पहले बाहर तुम्हें सस्ता सस्ता दिखे वो सारी चीजें उठा लो। तो सबसे पहले देखो ये 88 सेंट्स के एप्पल्स हैं, ठीक है? एप्पल्स ही नहीं है, एप्पल्स ही है। तो भाई देखो 88 सेंट्स के एप्पल है, कहीं भी तुम चल जाओ, वॉलमार्ट चल जाओ या फिर क्रेस्को चल जाओ, जितने भी ग्रोसरी के शॉप से वहाँ चल जाओ, महंगा मिलेगा, बट ये तुम्हारे सामने देख लो सस्ता मिल रहा है। और ऐसी और सस्ती सस्ती चीज़ें तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। आपसे जो भी तुम्हें सस्ता सस्ता लगे वो उठा लो। देखो भाई मेरे हिसाब से, मैं क्यों आता हूँ ग्रोसरी करने, मुझे उठानी होती है सिर्फ दूध और अंडे, मेरा मतलब इससे सॉर्ट हो जाता है, हफ्ता निकाल देता हूँ, महीने निकाल देता हूँ, मैंने 5 महीने दूध और अंडे पे निकाल दिए, तो बाकी के भी निकाल दूंगा। बाकी अगर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो तो भाई तुम सस्ती सस्ती चीज़ें लो, खाओ पियो और मौज करो, आ जाओ। स्ट्रॉबेरीज लगे हैं जो कि महंगे हैं, ठीक है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ सस्ती है कहाँ महंगी है। तो फूड बेसिक के अंदर जितने भी तुम्हारे हाउस होल्ड के सामान होंगे वो थोड़े सस्ते मिलेंगे बाकी जगह से, और फ्रूट्स भी कभी कभी वेजिटेबल भी सस्ते मिलते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो डाल रखी किशनर मार्केट की, जहाँ पे भाई फ्रूट्स हों या वेजिटेबल हों दोनों सस्ते मिलते हैं। तो जो ये 388 का है ना, ये तुम्हें $1 में पूरा डब्बा मिल जाएगा, तो वहाँ चल जाना इसके लिए। जैसे इंडिया में तुम देखते होगे ठेले वाले थोड़ी थोड़ी देर में सब्जियों पे पानी मारते रहते हैं, उससे तुम्हारी सब्जियां ताजी दिखती है, मतलब एकदम चमक चमकती हुई। भाई ये जो इतने दिन से तुम्हें लगता होगा कि ये बासी सा लगा रखा है इनमें, पर इन्होंने भी वही सिस्टम लगा रखा है, ये थोड़ी थोड़ी देर में इनमें से पानी निकलता है, फुहारे निकलते हैं, जिससे ये तुम्हारी सब्जियां है ना चमकने लग जाती है। तो भाई तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरे कहने से थोड़ी ना सस्ता दे देंगे ये, या फिर कैसे तुम विश्वास करोगी कि भाई ये सबसे सस्ता है ग्रोसरी के लिए। तो भाई देख लो इनकी टैगलाइन ही ऊपर ये खुद लिखते हैं, जैसे दिस वीक ओनली हो गया, या फिर उधर दिखा दे ऑलवेज ग्रेट प्राइसेस, मतलब हर जगह से ना भाई यहाँ पे प्राइस तुम्हें सस्ता ही मिलना है, भले से तुम खुद जाके चेक कर लेना और बाद में आके कमेंट कर देना कि भाई तुम गलत बोल रहे थे, जो कि मैं बोलता ही नहीं हूँ, तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई कितना सच्चा है। फूड बेसिक के अंदर ना तुम्हें ये सेक्शन अलग से मिल जाएगा जहाँ पे तुम्हारे पैसे ज़्यादा लगने हैं, बट स्वाद तुम्हें पूरा आना है। जैसे कई लोगों को भाई आदत होती है कि चाय के साथ मटरी खानी है या फिर मट्ठी खानी है, तो भाई अपने जो शौक थे ना इंडिया वाले, वो तुम्हें यहाँ भी पूरे करने हैं, भले कैसे भी करो। ये नहीं कह रहा घर बेच दो, सब कुछ बेच के शौक पूरे करो, बट अगर तुम कमा रहे हो तो अपने शौक पूरे कर सकते हो, पर मैं नहीं कमा रहा तो भी करूँगा।
तो भाई ये जितने भी केक तुमने देखे हैं ना, ये सेम केक तुम्हें फ्रेशको के अंदर या फिर जेड्स के अंदर, जहाँ से तुम लेते हो अपने दोस्तों के बर्थडे के लिए, भाभी की एनिवर्सरी के लिए, या फिर बच्चे के मुंडन के लिए, जिसके लिए भी तुम लेते हो, तो भाई ये केक है ना यहाँ पे मात्र $5 से $6 में मिल जाएगा, सेम का सेम, एज इट इज का एज इट इज। तो भाई अपने पैसे वहाँ ना फूक के यहाँ फूक के। ग्रोसरी के अलावा भी ना हेल्थ का भी ध्यान रखता है तुम्हारा फूड बेसिक। तो भाई ये देखो एक बीपी की मशीन दे रखी है यहाँ पे, अगर शॉपिंग करते करते तुम्हें गलती से लगे कि पैसे तुम्हारे ज़्यादा लग गए हैं, ठीक है, तो एक बार आके अपना बीपी भी चेक कर लेना, वो भी शायद मुफ्त में ही होगा, ये मुफ्त में ही है ना भाई, मुफ्त में ही है तो कर लेना, ठीक है। आ सको तो भाई यहाँ पे इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं ना कि देखो इन्होंने अलग से बोर्ड लगा दिया है कि भाई पर कस्टमर ना 6 पीसेज ही उठा सकते हो तुम। सोच लो, ये खुद नहीं चाहते कि हम मतलब सस्ती सस्ती चीज़ें उठाएं, तो तुम यहीं से आके उठाओ। तो भाई ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, जो कि यहाँ मिलते हैं भाई अपने अंडे जिनके सहारे हम जिंदा है अभी तक। तो भाई ये देख लो कि इसकी प्राइस ना 4.39 के अंदर 12 अंडे जो कि एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है भाई, तो जो कि तुम्हें बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा कि भाई $4 या फिर $4.50 के अंदर तुम्हें 12 अंडे मिल रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा लार्ज मिलते होंगे बट वो छोटे वाले मिलते होंगे। यहाँ से बड़े बड़े अंडे लो और मौज लो। सेक्शन मिल्क का, तो भाई जितनी भी जगह तुम दूध देखोगे ना भाई कनाडा के अंदर, वो ना भाई 3 लीटर में देते हैं तुम दूध, यहाँ भाई रेट तुम्हें उससे भी कम और लीटर 4। तो भाई अपने हिसाब से जितना भी तुम फैट लेते हो दूध के अंदर भाई, उस हिसाब से तुम दूध उठा लो और पी लो और मौज कर लो और आगे आ जाओ। भाई ये सेक्शन है ना फ्रोजन का है, तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे कनाडा के अंदर, फ्रोजन फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, बट तुम्हारा भाई पर्सनली तुम्हें ये सजेस्ट करेगा ना भाई, गलती से भी फ्रोजन ना खाओ, खुद खाना बनाओ भले 2 दिन बाद खाओ, पर फ्रोजन गलती से भी नहीं खाना है। कभी भी तुम फूड बेसी खाओ या वॉलमार्ट जाओ या फ्रेशको जाओ, कहीं भी जाओ, इस वाली लेन के अंदर जहाँ पे फ्रोजन फूड मिलता है उसमें घुसे मत, अपनी ट्रोली लो और वापस चल जाओ। तो भाई अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्नैक के शौकीन हो, चिप्स वगैरह खाने के शौकीन हो, तो भाई ये पूरे पैकेट $9 के अंदर तुम्हें मिल जाता है, ठीक है, इसके अंदर 18 पैकेट है चिप्स के। तो भाई अपने हिसाब से आओ और जो खाना है उठा के ले जाओ, ना कि एक एक पैकेट खरीदो, क्योंकि एक एक पैकेट खरीदोगे पैसा ज़्यादा लगेगा और पैसा बहुत कम है भाई, बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैगी का भंडारा लगा हुआ है, और अगर तुम यही मैगी लेने वॉलमार्ट में जाओगे तो भाई $2 से कम की नहीं मिलेगी, और यहाँ देख लो तुम प्राइस। तो मैगी लेने आओ तो ऐसे हाथ भर के उठा के ले जाओ। अब आ चुके हम अपने इंडियन सेक्शन में, तो तुम भाई कहीं भी तुम जाओगे ना, वॉलमार्ट जाओ या फिर कहीं भी किसी भी जगह जाओ भाई, एक इंटरनेशनल सेक्शन हर जगह होता है, वो इंटरनेशनल नाम का होता है, वहाँ पे चीज़ें मिलती है इंडियन। तो भाई तुम्हारे मसाले हो गए, घी हो गया, पार्ले जी हो गया, भाई देखो सबका फेवरेट अपना फेवरेट पार्ले जी, जो कि तुम्हें भाई और जगह महंगा मिलेगा बट फूड बेसिक सस्ते में, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा सस्ते में मिलता है, वहाँ दिखा दो भाई कितने का मिल रहा है। तो 139, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई बात पार्ले जी की, तो पार्ले जी अंदर अभी और पैकेट डालूंगा, ठीक है। और भाई दूसरी बात, यहाँ पे तुम घर से आते हो बाहर, तो भाई घी की बहुत वो होती है कि यार घर पे रहते थे तो घी लगा के खाते थे, भाई तुम घी यहाँ पे भी लगा के खा सकते हो, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस कंपनी का लेना है। अगर घी ले रहे हो तो भाई बरार कंपनी का लेना, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बाकी जो सस्ते होते हैं उनसे $1-2 महंगा पड़ेगा, बट भाई चीज़ है एक नंबर, मतलब तुम्हारा भाई आज तक खाया नहीं था बट
रिव्यू सबसे लिए हैं कि बरार बेस्ट है, तो आज तुम्हारा भाई बरार लेके जाएगा और रोटी में घी लगा के खाएगा और मम्मी को बताएगा कि आज रोटी में घी लगा के खा ली गई। भाई चावल तुम लोगों ने देख लिए और लेने कौन से हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई कभी भी चावल लो ना, ये नूर चावल आता है पूर्वी से केंद्र, जो कि भाई अभी लगा हुआ है। कितने का लगा हुआ है ये, इसकी प्राइस नहीं है मेरे ख्याल से, ये इसकी प्राइस नहीं होगी, बाकी ये 8-9 डॉलर के अंदर ही मिलता है। पर भाई जो इससे चावल बनते हैं ना वो एक नंबर बनते हैं। तो भाई चावल बनाने कैसे हैं ना वो भी तुम्हारा भाई बताएगा। भाई कुछ नहीं करना, कुकर लो, ये चावल उठाओ और इसको पहले धोओ, ठीक है। धोने के बाद 2 ग्लास चावल बनाने, तो 2 ग्लास चावल डाल दो और उसके ऊपर से भाई 2 ग्लास पानी डाल दो या फिर थोड़ा सा और पानी डाल दो, 2 सीटी भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटी पड़वानी है तुम्हें। तुम्हारा चावल क्या पक्के बाहर आएंगे ये वाले, ठीक है। ट्राई कर लेना तुम्हारे भाई की तरफ। हाँ तो भाई देख ली तुम सबने कैसे सस्ते में ग्रोसरी करनी है कनाडा आके, तो सेम एज ही कर लेना, बिल्कुल एज इट इज़, कॉपी टू कॉपी। और भाई देखो पहली बात, तुम बोलोगे कि भाई रेट, यहाँ पे हमने ये चीज़ें सस्ती देखी थी, यहाँ पे ये चीज़ें महंगी देखी थी, तो रेट देखो हल्के बहुत ऊपर नीचे होंगे, बट ओवरऑल कंपेरिजन यही है ना ग्रोसरी के अंदर। तुम भले अपने आस पड़ोस भाई बहन या फिर चाचा ताऊ किसी से भी पूछ लेना जो यहाँ रहता हो कि भाई फूड बेसिक सबसे बेस्ट है। तो भाई बिना सोचे बिना समझे झोला उठाना, फूड बेसिक आ जाना। तो भाई आज की अपनी ग्रोसरी की वीडियो यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं तुमसे किसी खतरनाक वाले व्लॉग में। जब तक भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, बताओ किस लिए, क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलता है बहुत ही तगड़ा कि तुम लोगों के लिए कुछ अलग सा सोच सके, अलग सा कुछ बना सके कंटेंट। तो भाई चैनल को वो कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कि भाई यहाँ से सस्ता सस्ता सामान ऐसे उठा लेना। बाकी और चीज़ें कुछ पूछनी हो बतानी हो तो भाई कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम सब तुम्हें बताइए, वहाँ पहुँच जाना। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक भाई ये खाओ।